I love you, Weber. I love you. कुछ सुनाई नहीं दिया तो तुम्हें कुछ नहीं कहना। एक मिनट। हाँ हाँ भाई बोलो भाई। देखा भाई यहाँ पे सीन हो गया है। अरे क्या हुआ, फिर से किसी का कॉलर वॉलर पकड़ लिया क्या तुमने? अरे नहीं भाई श्रेया ने मुझे आई लव यू बोल दिया। क्या मतलब, तुमने उसे प्रपोज किया और बदले में उसने भी बोल दिया? अबे नहीं, उसने आके मुझे आई लव यू बोल दिया पहले। मतलब उसने आके तुम्हें प्रपोज किया? हाँ यही भाई, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने मुंह पे ना पानी डाला कि रियलाइज करने का, कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, पर नहीं ये सच है, ऐसा ही हुआ। और तुमने उसे क्या बोला? मैंने तो अभी मैं इतना घबरा गया था ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं भागता हुआ इधर आया तुझसे बात करने के लिए। मैंने कुछ नहीं बोला। लड़की वहाँ तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है, अरे जाओ और जाकर आई लव यू बोलो उसे। हाँ अच्छा सुन भाई आई लव यू। ये सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है, तेरा आइडिया था गरबा करने का, और भाई आई लव यू। अरे बस उधर भी जाके बोलना है। हाँ मैं जाके उसे आई लव यू बोलूंगा। हाँ ठीक है, बाय। ऐसे कैसे भाग गया बाहर? ये क्या कर रही हो? हाँ कोई नया स्टेप है राइट? मुझे लगा। क्या लगा? और ये क्या है, इतना गरबा खेल लिया कि पसीना पसीना हो गया या बारिश में भीग के आए हो? एक्सक्यूज मी, मैं ना बाद में मिलता हूँ। अरे हेलो, श्रेया कहाँ चली गई? कहीं नाराज तो नहीं हो गई? सासुमा, मैं कर लूंगी। सासुमा आप अभी तक नाराज हैं उस बात को लेकर? अब नंबर बढ़ा के अदिति को इंप्रेस करना, दैट वाज बैड आइडिया। आई एम सॉरी। ऐसे नहीं, ब्रॉड स्माइल। मैंने कहा था ना सासुमा, ये जो आपका स्माइल है ना, इस घर का ऑक्सीजन है, और अभी मेरा ड्रॉप हो रहा है। आप परेशान है ना, मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया। अब ठीक हो? आपको दामाद कम और बेटा ज्यादा मानती हूँ, इसलिए ज्यादा बुरा लगा। पर अब से ध्यान रखिएगा, मन लगा के ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, सबको बहुत उम्मीदें हैं आपसे। और फिर
माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो है ही ना। अब भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो सही रास्ता चुनते हैं, हेर फेर वाला नहीं। यस यस ससुमा, अब कोई झोल वोल। और फिर जब आप कलेक्टर बनेंगे तो अपनी सास को लाल बत्ती के गाड़ी में भी तो घुमाएंगे। अरे पूरे रतलाम में जलवा कर देंगे सासू माँ। सासू माँ आ रही है। एम्बुलेंस में? ये एम्बुलेंस था? हाँ। नहीं नहीं, कलेक्टर वाली गाड़ी में। आप ना मुझे उस निरंकारी की बहू के घर के आगे से लेके जाइए, उसका चेहरा देखने लायक होगा। आपके तो नाम से चिढ़ती है वो। अरे अरे त्रिमूर्ति, पार्टी वार्टी करके आ रहे हो क्या? अरे पार्टी तो अभी करेंगे जीजे, पर उसके पहले मम्मी को एक गुड न्यूज देनी है। माया कांग्रेचुलेशन साले साहब। माया जी। अरे ए, ओ, 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 मम्मी ओ जीजे रुको, क्या मतलब गुड न्यूज का मतलब सिर्फ ऐ नहीं होता है? मम्मी गुड न्यूज का मतलब ये है कि आप जो लड़ाई लड़ रही हो ना उसमें हम सब आपके साथ हैं। पापा को मनाना है ना प्रीति के लिए, उसमें आपको हमारी जो मदद चाहिए हम करेंगे। हाँ मम्मी, देखा बेटी काम आई ना, मना लिया मैंने भैया और भाभी को। ओ हेलो, प्रीति के लिए ना हम पहले ही मान गए थे। हाँ एक टीम बनाकर मम्मी का साथ देंगे, पापा को मनाएंगे। ये सब तो मैंने ही समझाया था ना तुम दोनों को। ये बहुत होशियार है आपकी लड़की, इसी ने हम दो डॉक्टरों को समझाया है, है ना? हाँ तो कभी कोई ढंग की बात की है आपने? अरे तो तू कौन सी ढंग की बात करती है? मुझे पता है सारा। अरे तू रहने दे अभी। अरे बस करो दोनों। ससुमा आपके बटालियन मजबूत हो रही है। अरे जीजे अगर बटालियन को लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना तो पहले खाना पड़ेगा। यस यस लेट्स हैव फूड। क्या लाया? ये लो आ, ये को लो। क्या है? मम्मी ये गुलाब जामुन है, ये आप चख के बताओ कि कैसे बने। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे नौ के नौ दिन व्रत है। अरे मम्मी की कड़ी तपस्या तो मत तोड़ो, उसी पे सब कुछ टिका है। अच्छा ठीक है तो तू चख के बता। या मेरा है? अरे तो आप चख के बताओ। पर ये सब छोड़ो, अब ये बताओ पापा को कैसे मनाएंगे? किस चीज के लिए? दामाद जी तो वो मैं पूछ रहा हूँ किस चीज के लिए, कोई बताएगा भी? वो टूर, फैमिली टूर। हाँ मुद्दत होगा ना, रतलाम से कहीं बाहर नहीं गए तो हम लोग बैठ के प्लान कर रहे थे कहीं घूमने जाएंगे। हाँ बस उसी के बारे में आपसे पूछने की बात कर रहे थे। हाँ माया कह रही थी कि दुबई चलते हैं, पर मैंने उसको कहा कि बजट बढ़ जाएगा ना और एक काम करते हैं कुल्लू मनाली चलते हैं। नहीं नहीं कुल्लू मनाली नहीं, वो अम्मा जी का सांस फूलेगा ना वहाँ पे, कैम मॉल रोड पे चल नहीं पाएंगे। गोवा चलते हैं। गोवा? हाँ गोवा गोवा। बहुत दिन हो गए स्विमिंग भी नहीं की। गोवा दुकान बेचने से जो पैसे आएंगे उसे उड़ाने की ये प्लानिंग चल रही है। सोच समझ के खर्चा करेंगे। हाँ मैं भी यही बोल रही थी कि घूमना वूमना तो बाद में होता रहेगा। हाँ हाँ ये वैभव कहाँ है? आया नहीं अब तक। उसे कहना मुझे जरूरी काम है उससे। वैसे जीजे ये वैभव कहीं फिर उसी लड़की से मिलने तो नहीं गया? दिया पापा का अर्जेंट कॉल आ गया, जाना पड़ा, बाद में बात करती हूँ। जी पापा। कहाँ है? जल्दी घर आ, जब देखो घर से गायब। जी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ।
2 दिन बचे हैं मेरे पास। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे पापा प्रीति के लिए मान जाए। अरे माया जी के हाथ की कॉफी आ गई, अब देखिए कैसे दिमाग चल रहा है। सुमा, किसी को मनाना ना एक तरह का साइंस होता है। इसके 2 तरीके होते हैं, या तो उसका दिल जीत लो या सीधा उसको ब्लैकमेल कर दो। वाह जीजे, क्या कॉफी पी के इतनी घटिया आइडिया दिए। मतलब पापा को ब्लैकमेल करेंगे कुछ भी? अरे वो तो कर नहीं सकते ना, तो दिल ही जीतना पड़ेगा कैसे भी करके। से हम जो बोल रहे थे माया जी समझ गए। सो गॉट इट, यू शट इट। ये मम्मी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ वो पंडित या फिर ज्योतिषी ऐसा कुछ। हाँ पापा उनमें मानते होंगे ना, तो अपन एक ज्योतिषी या पंडित से कहलवा देंगे कि प्रीति जो है वो इस घर के लिए शुभ है। अरे कहाँ इन सब चीजों में मानते हैं वो। तुम्हें याद है अम्मा कितना पीछे पड़ी थी अंगूठी पहनने के लिए, वो जब इतने बड़े ज्योतिष ने कहा था गुस्सा शांत होने के लिए, क्या पहनी उन्होंने? फिर वो पंडित ही गुस्से होने लग गया। हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पापा के दिल में प्रीति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए। किसी भी तरह से ना हमें उन्हें प्रीति की अच्छाई दिखानी पड़ेगी। आइडिया। क्या आइडिया? किडनैपिंग। हाँ सासू माँ, डैडी जी की किडनैपिंग कराते हैं नकली, और किडनैपिंग की रकम प्रीति जी से दिलवाते हैं। अरे भगवान बन जाएगी उनके नजर में। क्या है जीजे, कॉफी से भी चढ़ जाती है। से भी मतलब? अरे तुमको देख के नशा चढ़ता है ना, वही। अगर तुम्हें इतने गंदे आइडियाज देने हैं ना तो सो जाओ, अब कहाँ कॉफी पी के नींद आएगी। इट्स अमेजिंग। अरे यार मेरा तो कॉफी पी के भी दिमाग नहीं चल। हमेशा की तरह बताओ ना कुछ, तुम्हारे दिमाग में तो 36 बिजनेस आइडिया पड़े रहते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। देखिए सासू मां, अब एक ढंग का आइडिया नहीं दे पा रहे। नहीं तो तुम ही दे दो ना आइडिया अपने 12,000 के पर्स से। मतलब पापा को मनाना इतना आसान नहीं है ना माया। व्हाट अबाउट यू, भाइयों के बीच में बड़ा होशियार बनती हो, कुछ आइडिया दो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जाके सो जा। पापा को हाँ बुलवाना भी इतना बड़ा टेढ़ा काम होगा, सोचा ही नहीं था। सासू माँ अब जो भी आइडिया देना है जल्दी जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो वैभव आ जाएगा गर्भे से। लास्ट आइडिया तू, डैडी जी को हिप्नोटाइज करना होगा। हाँ उनको अपने वश में करना होगा, तभी जाके प्रीति वेट वैभव का ढोल बजेगा। बड़े हैं आप, छोड़ दीजिए। नहीं, से हेर फेर करके चालाकी से उनसे हाँ नहीं बुलवानी है। मुझे प्रीति के लिए उनकी दिल से हाँ चाहिए और वो मैं लेके रहूंगी। देर सवेर ही सही, लक्ष्मी माँ मेरे दिमाग में आइडिया जरूर डालेंगे। और तुम देखना, तुम्हारे पापा प्रीति के लिए मान भी जाएंगे और खुशी खुशी इस घर की बहू भी बनाएंगे। मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही विद्यमान है। अपने स्वार्थ के लिए कभी अच्छाई तो कभी बुराई का चयन करता है, किंतु इच्छाओं की पूर्ति तो सही मार्ग पर चलने से ही होती है। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो सभी, दूसरों को सही मार्ग दिखा रही है फिर स्वयं क्यों अनुचित मार्ग पर चल रही है। वो इतना बदतमीज कैसे हो सकता है, मैंने उसे आई लव यू बोला और उसने जवाब तक नहीं दिया, बिना कुछ बोले चला गया। एटलीस्ट हाँ या ना तो कह देता। ओह गॉड, फोन कर देती हूँ। हेलो श्रेया। कोई ऐसे कैसे कर सकता है वैभव, मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुम बिना कुछ बोले चले गए। अरे नहीं नहीं श्रेया, मैं आया था तुमसे मिलने के लिए, तुम थी नहीं वहाँ पे, दिखी नहीं मुझे। हाँ क्योंकि मुझे मेरा जवाब मिल गया था, देखा मैंने तुम्हें वहाँ पे उस लड़की के साथ। इट्स ओके वैभव, तुम्हारी लाइफ है तो तुम ही अपने डिसीजन लोगे, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। अब मुझे जैसा लगा मैंने तुम्हें बता दिया, शायद तुम्हें वैसा नहीं लगा हो, सो इट्स फाइन। नहीं नहीं श्रेया, श्रेया श्रेया मेरी बात सुनो, तुम बिना मेरी बात सुने बिना मुझे समझे अपने आप रिज्यूम कर रही हो। तुम जानना चाहती हो ना मेरे मन में क्या चल रहा है। आज शाम को गरबा के लिए मिलो। क्यों, अभी बोलो ना जो बोलना है। श्रेया मिलो तो सही,
मैं फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ मिलके। प्लीज कल शाम को मिलो। ठीक है। पहली बार किसी को आई लव यू बोलूंगा, वो भी फोन पे। नहीं भाई, मिलके बोलने में जो बात है वो फोन पे कहाँ। अरे सुनिए ना, आज बाजार से आ रही थी ना, तब प्रीति मिल गई। ऐसे भाग के गले लग गई मेरी। प्रीति आंटी आंटी कैसी है आप, अंकल कैसे हैं, भैया कैसे हैं, पता है सबके बारे में पूछ रही थी। और पता है मेरे हाथ से सारे थैले भी ले लिए, मुझे घर तक छोड़ने भी आई थी वो लड़की। बड़ी अच्छी लड़की है। आपको कनु मौसी की बहू याद है, जया भोपाल वाली? हाँ हाँ। प्रीति मुझे बिल्कुल उसकी याद दिलाती है, वैसी ही हंसमुख है। आपको याद है पूजा के दिन कैसे सबके साथ घुल मिल गई थी? बड़ी अच्छी लड़की है। वरना आजकल की मॉडर्न लड़कियां या तो फोन में घुसी रहती है या फिर पार्लर में, लेकिन प्रीति ऐसी नहीं है, इतनी घरेलू है, बड़ी अच्छी लड़की है। तुम्हारी आकाशवाणी फिर से शुरू हो गई सविता। मैं तो बस बहू के चाव कर रही थी, लेकिन अगर प्रीति और वैभव का रिश्ता हो जाता तो कितना अच्छा होता है ना, है ना? अच्छा तुम भूल गई सविता, प्रीति किसकी बेटी है? रूपचंद की। हम उसे पसंद करते हैं और ना वो हमें। ये बात कब की खत्म हो चुकी है और हम आगे बढ़ चुके हैं। अब अपने रेडियो पे ये चैनल मत चलाना। सो जाओ चुपचाप और मुझे भी सोने दो। नौ दिन का कड़ा तप करने का वचन लिया था, सात दिन तो हो गए। पूरी भक्ति और विश्वास के साथ मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूँ। अब बस एक आखिरी पड़ाव बचा है, वैभव के पापा को इस रिश्ते के लिए मनाना। उनकी हाँ के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती और उनके नाम में परिवार का भविष्य नहीं आगे बढ़ सकता। बस दो दिन बचे हैं, नवरात्र खत्म हो गए। इस विजयादशमी मुझे भी विजय दिला दो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। प्रसाद लीजिए। भाभी जी, इस प्रसाद का कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? मान गया लाला जी रिश्ते के लिए। मैं समझ गया, आप अभी तक लाला जी को मना नहीं पाई। भाभी जी, मुझे लगता है मुझे प्रीति के लिए रिश्ते की बात कहीं और भी छेड़ देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कुछ होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं भाई साहब, आपने मुझे नौ दिन का समय दिया है, अभी दो दिन बाकी है। अब भाभी जी, सात दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो दो दिन में लाला जी को कैसे मना लेंगे, और वो भी लाला जी जो 40 साल में नहीं बदले। इतनी उन्हें घर की चिंता होती ना तो अपने गुस्से को काबू करके अपनी दुकान नहीं चला ली होती उन्होंने। मेरा विश्वास कीजिए भाई साहब, इस बार लक्ष्मी माँ मुझे फेल नहीं होने देंगी। और वैभव के पापा को प्रीति से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर किससे परेशानी होगी? आप। इस रिश्ते से जुड़ी असली समस्या उनके लिए आप हैं। उन्हें बेटी से नहीं बाप से प्रॉब्लम है। भाभी जी, अब बेटी का बाप तो बदलने से रहा तो दो दिन का इंतजार क्यों किया जाए? इस किस्से को यहीं खत्म कर देते हैं। भाई साहब, अब भी होने के लिए सब कुछ हो सकता है। आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपने वैभव के पापा को बहुत ठेस पहुंचाई है। अगर आप उनका खोया हुआ सम्मान लौटा तो साफ साफ कहिए ना भाभी जी, आप चाहती हैं मैं लाला जी के पैरों पर गिर के अपनी नाक रगड़ूं? नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी
कि आपको उन्हें वही सम्मान देना पड़ेगा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी ना करी हो। भाई साहब, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करने को तैयार हो जाए तो ये रिश्ता जल्दी पक्का हो सकता है। कहिए, क्या करना होगा? इस प्रकार के उपाय करके तुम अपना कार्य तो सिद्ध कर लोगी सविता, किंतु ये कैसे सुनिश्चित करोगी कि उसका परिणाम भी शुभ ही होगा? तुम अपनी कड़ी तपस्या के बदले मुझसे अपनी योजनाओं को पूर्ण करने की मांग तो कर रही हो, किंतु ये जानो कि घर में लक्ष्मी का आगमन शुभ प्रयासों से होता है, योजनाओं से नहीं।